माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो अभी मैं जा रही हूँ कुछ फ्लावर्स लेने के लिए कल की डेकोरेशन के लिए, एंड कुछ बुकिंग्स बाकी है, कुछ साइट्स देखना बाकी है आज की, तो आप लोगों को लेके चलती हूँ मैं साथ में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है मेरी ब्लॉगिंग से, तो वो लोग मतलब मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो वो कहते हैं कि तुम ब्लॉग्स बनाती हो, तुम ऐसे करती हो, तुम ऐसे करती हो। तो शायद से जिन जिनको प्रॉब्लम है तो वो लोग मेरी लाइफ से भी दूर हो सकते हैं। आई डोंट माइंड, जो काम मुझे करने में अच्छा लगेगा मैं क्यों नहीं करूंगी। सो जिसको नहीं देखना है वो ना भी देखे तो चलेगा, इट्स फाइन। जब से घर से निकली हूँ कुछ ना कुछ रुकावटें आ ही रही हैं, तो रोड के ऊपर कभी कुछ है कभी कुछ है। यहाँ से मे भी थोड़ा सा साइड से जगह मिल जाए, देखना पड़ेगा, एक सेकेंड निकल तो जाएगी। तो वहाँ से साइड से मैंने अपनी कार निकाल ली, और आज इतनी धूप है, इतनी गर्मी थी, मैं आज 4 बजे से बाहर निकलने वाली थी, फिर मैं बिल्कुल नहीं निकली। और मैंने ब्लॉग भी अभी स्टार्ट किया है, अभी 7 बज रहे हैं और अभी भी बाहर ना बहुत गर्मी है। मतलब वो गर्म गर्म हवा होती है ना, जिसको अपन लू बोलते हैं, वो है। और तो बस अभी मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से, बस यहाँ से निकलूँ और फिर पहले नंदिनी को पिक करूँगी, फिर हम लोग जाएंगे दोनों, क्योंकि अकेले तो नहीं होना, थोड़ा सा ऐसे बोर हो जाता है। नंदिनी आ जाती है तो दो का साथ हो जाता है, तो ईजीली हम लोग इधर उधर चले जाती हूँ और सारा हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो अभी नंदिनी को ले लेती हूँ मैं। और ये आ गई है हमारी नंदिनी जॉब से। कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? बहुत ही स्ट्रगल वाला दिन था आज। आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ, कैंप अंडर शिफ्ट हुआ, बहुत काम करना पड़ा। लेकिन हम तो बोल रही थी आज थोड़ा सही था डेली से, बट हाँ मतलब अच्छा तुम्हारा अंडर शिफ्ट हो गया ना। हाँ, वो काम अच्छा सही हो गया। अच्छा तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले नंदिनी का जो था बाहर ओपन एरिया में था इतनी गर्मी में, तो अभी इनको एक रूम हॉल अलॉट हो गया, राइट? यस राइट। सो अभी मैं आ गई थी अपनी बुकेज वगैरह बनवाने के लिए, क्योंकि कल हमारे पास 20+ काम है, तो कई सारे तो बाहर से ही आ रहे हैं, पर लेकिन कुछ हैं जो मुझे बनवाने हैं, जो रह गए जो लास्ट में बुकिंग्स हुई हैं उनके लिए। और आज इतना सारा रश है ना अजमेर में, जिसकी अलग लेवल है, बिकॉज मे बी कल सैटरडे, आज सैटरडे और कल संडे, इस वजह से। भैया को दे दिया है ऑर्डर और अभी थोड़ी सी देर के लिए हम लोग चलते हैं। भैया जब तक उनको कंप्लीट करते हैं हमारा ऑर्डर, तो हम लोग बाकी काम करके आते हैं अपना दूसरा काम करने के लिए। तो मे बी यहाँ से जो मुझे सामान चाहिए थोड़ा सा यूनिक सा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ से मिल जाए अजमेर में। यही एक ऐसी दुकान है जहाँ पे आपको लास्ट मोमेंट पे कोई चीज़ मिल सकती है, तो चलो चेक करते हैं अगर यहाँ मिलती है या नहीं। अभी कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे, भी नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, तो अभी मेरी कोशिश तो लगी हुई है और मैं अपना काम करके ही जाऊँगी, वो नहीं तो खुद बना लूँगी, जुगाड़ कर लूँगी, कुछ तो करना ही पड़ेगा ब्रो। तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं पेटीज खाने के लिए। हमें मुश्किल से 5 से 10 मिनट हुई है, जितना जितना टाइम बढ़ रहा है उतने उतने हमारे पेट में चूहे और ज़्यादा कूद रहे हैं, बहुत दुख की बात है। महंगाई राहत कैंप, यो स्वैग अपना बिल्कुल है। और ये आ गई है हमारी आलू पेटीज मेरे लिए, और ये आ गई है चाउमीन वाली पेटीज, तो खाते जल्दी से, राइट? हमारा एक भी काम नहीं हुआ और आंधी इतनी तेज चल रही है, आज का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, और उसके अलावा आई थिंक सब रात को बारिश हो सकती है, तो अच्छा है थोड़ी बारिश हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, राइट नंदिनी? ऑब्वियसली राइट यार, तुम्हें तो बहुत दिक्कत हो जाती होगी ना? बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी है आज। मतलब मैं ऊपर कैफे में गई थी, दिन में कस्टमर आए थे, इतनी ऐसा लग रहा था ओह गॉड मैं ऊपर कहाँ आ गई हूँ, इतनी गर्मी इतनी गर्मी, वापस नीचे आके सो गई। इतने में तो धूप में अपना ऑमलेट बन जाएगा। हाँ वही तो, पानी को तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है गाइस, पानी आप धूप में रखिए 2 मिनट में उबलेगा। हाँ गैस तो चाहिए आपकी। हाँ और गैस भी बच जाएगी। आपकी मम्मी को बोल दो कि जो चपातीज वगैरह खाना वाना बनाते हैं ना, वो आराम से धूप में बना ले, कोई दिक्कत ही नहीं है, गैस पूरा बच सकता है। राजस्थान में फुल हॉटनेस है, फुल। अपन तो वैसे हॉट है बाकी राजस्थान का माहौल भी हॉट रखा है। हाँ बिल्कुल, हमारी नंदिनी बहुत हॉट है अपन में से तो। ओह माय गॉड। चलिए जी अब हमारा घर 1 मिनट में आ ही जाएगा, तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं घर में पहुँचने के बाद। और हमारा जो काम है वो तो बिल्कुल भी कुछ हुआ नहीं, और उसके अलावा हाँ मैंने फ्रूट्स वगैरह लिए और आप लोगों को बताती हूँ। मैंने लिया है 4 किलो वाटरमेलन, और उसके अलावा बनाना लिए मैंने 1 kg, और 2 kg मैंने मैंगोज लिए हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा ये सब मैंने कितने में लिए हैं, और आप लोगों को वो शॉप भी बताऊंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कि मैंने कहाँ से लिया, और आप लोग भी वहीं से फ्रूट्स लें। सच में भैया इतना सस्ता देते हैं, इतना सस्ता देते हैं। चलिए मैं आपको इसी ब्लॉग में बता देती हूँ, ये सब कुछ उन्होंने मुझे 120 रुपीज में दिया है। 120 रुपीज किसको बोलते हैं, लाइक यू नो अभी मतलब ये भाव भी नहीं है, पर लेकिन उन्होंने मुझे दिया और वो सबको देते हैं। अगर आप लोग भी जाएंगे मेरा रेफरेंस देंगे तब तो पक्का ही देंगे, तो आप लोग जरूर से ले सकते हैं। ये वैशाली में है पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे,
और आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग्स में तो वैसे देखी रखी होगी उनकी शॉप पर, लेकिन मैं नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का जब भी उधर जाऊंगी तो आप लोगों को। अभी फिर आ गई थी मैं कैफे में पाका वगैरह करने के लिए सारा कुछ, और दिनेश भैया का आने का है तो उनका इंतजार कर रही हूँ मैं, तो फटाफट से यहाँ से थोड़ा सा पैकअप करती हूँ, थोड़ी क्लीनिंग वगैरह है, देखो कितना सारा गंदा हो जाता है डेली, तो ये थोड़ी बहुत क्लीनिंग है वो कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से वापस। आज का दिन बहुत खराब रहा है, पूरा नेल चला गया मेरा छोटा वाला, और उसके अलावा आज ब्लैकी ने क्या किया वो दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए ब्लैकी ने आज ये कर दिया, तो आज का दिन बहुत बेकार था, कोई मुझे गालियों पे गालियां दे रहा है इसलिए ऐसा हो।